शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल का होना अनिवार्य है, परंतु बड़े अफसोस की बात है जनपद जालौन ब्लॉक माधोगढ़ ग्राम पंचायत बदनपुरा के प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल ना होने से इस विद्यालय में पढ़ने वाले जाने आलम सहित 117 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके स्कूल में जो बाउंड्री नहीं है तो आपको कोई परेशानी है? हाँ, ये समस्या है। गांव के लोग कचरा फेंक जाते हैं, गाय गोबर कर जाती है, और यहाँ पर रोड है तो गाड़ी निकलती है, हॉर्न बजाती है, हम लोगों को डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। ये समस्या है, बाउंड्री बन जाए तो कोई समस्या नहीं। जानवर भी आते हैं तो वो स्कूल के पास हक जाते हैं, इसलिए गंदगी होती है। पेड़ लगाते हैं हम लोग तो पेड़ भी खा जाते हैं, पेड़ नहीं लगा पाते, कोई बहुत सी समस्याएं हमारे स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल में बाउंड्री बन जाए तो काफ़ी समस्या नहीं रहे। बाउंड्री होने से यहाँ सफाई बनी रहेगी, विद्यालय प्रांगण साफ रहेगा, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गलत असर नहीं पड़ेगा, यहाँ से गंदगी भी नहीं होगी विद्यालय में। वाहन निकलते हैं तो वाहन से भी डर रहता है, बच्चे कहीं दौड़ के टकरा ना जाए वहाँ पे। आपने क्या प्रयास किया? हमने बाउंड्री के लिए अपने विभाग को लिखा है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हो पाई विभाग द्वारा, इसलिए बाउंड्री नहीं हो पा रही है। विभाग से जैसे ही अगर कोई अनुदान या आता है तो यहाँ बाउंड्री करा दी जाएगी। आप क्या समुदाय चाहता है कि इस विद्यालय की बाउंड्री वॉल जल्द से जल्द बनवाई जाए ताकि इन बच्चों की परेशानी दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जनपद जालौन के BSA का मोबाइल नंबर 94150322 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं सीमा देवी, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।